जिंदगी को इजी बनाने के बेहतरीन टिप्स के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जिंदगी इजी, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी इजी में, जहां आपको मिलता है जिंदगी जीने के आसान टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी आपको, साथ में अपने प्लेटलेट्स को घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे आप बढ़ा सकते हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद तत्व होते हैं जो पानी रूपी द्रव और कोशिकाओं से बने होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन को ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। प्लेटलेट्स रक्त में मौजूद बेहद ही सूक्ष्म कण होते हैं, जिनको चिकित्सकीय जांच के दौरान देखा जा सकता है। शरीर पर चोट लगने के बाद रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स को संकेत मिलना शुरू हो जाता है, जिससे वो चोट व रक्तस्राव वाले स्थान पर पहुंचकर रक्त को रोकने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आम भाषा में अगर प्लेटलेट्स के बारे में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त को बहने से रोकती हैं। शरीर में किसी चोट या अन्य कारण से रक्त जो बहने लगता है, रक्तस्राव होता है, तो प्लेटलेट्स के द्वारा ही खून को रोकने का काम किया जाता है। इनकी संख्या नियमित बनी रहना हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होता है, और किसी कारणवश अगर ये हमारे शरीर में कम या ज्यादा हो जाता है तो कई तरह की रोग उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम यानी कि बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए अब इसके लक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। शरीर पर लाल, भूरे व जामुनी रंग के निशान होना, नाक से खून आना, मसूड़ों से खून आना, लाल व जामुनी रंग के छोटे छोटे दाने होना, मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव, मलाशय से खून आना, लंबे समय से घावों से खून बहना व इसका ना रुकना, मल में खून आना, पेशाब में खून आना, मलाशय से खून आना, और इसमें आंतरिक रक्तस्राव भी होते हैं जिसके लक्षण हैं मूत्र में खून आना, मल में खून आना, गहरे लाल रंग की खूनी उल्टी होना। अगर आपको आंतरिक रक्तस्राव के कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराएं। आखिर प्लेटलेट्स के निर्माण में कमी क्यों आती है इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके शरीर में अनीमिया है, विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B9 की कमी है, आयरन की कमी है, या कोई संक्रमण है जिसमें HIV चिकन पॉक्स होना शामिल है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम होम रेमेडीज के थ्रू प्लेटलेट काउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला है अनार जूस, दूसरा गेहूं घास रस, तीसरा पपीते के पत्तों का रस, चौथा गिलोय। अनार जूस तथा गेहूं घास रस नया खून बनाने तथा रोगी को रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए है। अनार जूस आसानी से उपलब्ध है। यदि गेहूं घास रस ना मिले तो रोगी को सेब का रस भी दिया जा सकता है। पपीते के पत्तों का रस सबसे महत्वपूर्ण है। पपीते का पेड़ आसानी से मिल जाता है। उसकी ताजी पत्तियों का रस निकालकर मरीज को दिन में 2 से 3 बार दें। एक दिन के खुराक के बाद ही प्लेटलेट की संख्या बढ़ने लगेगी। गिलोय बेल की डंडी लें, डंडी के छोटे टुकड़े करें, उसे 2 ग्लास पानी में उबालें। जब पानी आधी रह जाए तो ठंडा होने पर काढ़े को रोगी को पिलाएं। मात्र 45 मिनट बाद सेल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। गिलोय की बेल का सत्व मरीज को दिन में 2 बार दें। इससे खून में प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है, रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ती है तथा कई रोगों का नाश होता है। यदि गिलोय की बेल आपको ना मिले तो किसी भी नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय में जाकर गिलोय खंडवटी ले आएं, जिसकी एक एक गोली रोगी को दिन में 3 बार दें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको प्लेटलेट्स की इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कैसे आसान घरेलू नुस्खों के द्वारा प्लेटलेट्स को बढ़ा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक ईजिली पहुँच जाए और ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।